गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स मैथ एक्सरसाइज टूडे। आज का तीसरा पार्ट हुआ आपको पार्ट वन में ESCM बताया गया था और पार्ट टू में भी ESCM भी सॉल्व कराया गया था। तो इसमें मेथड अलग थे, क्वेश्चन वन का मेथड अलग था, क्वेश्चन टू का मेथड अलग था। अब आपको जो है ये अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, आपको यहाँ ये दिखलाना है कि जो भी आपका नंबर दिए गए हैं ये को प्राइम्स है। इसके लिए देखिए आपको सिर्फ एक बात ध्यान देना होगा, हमने आपको हेड में नोट के रूप में दे दिया है, इस लाइन पर विशेष ध्यान देंगे। टू नंबर्स आर को प्राइम्स इफ दे आर यस इक्वल टू वन। देखिए आपको जो दर्शाना है उसमें आपके ध्यान देना है, उसका एचसीएफ जो है वो भी वन आना चाहिए। अगर आपका एचसीएफ वन है इसका मतलब जो भी आपको पेयर दिया गया है वो आपको कैच होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 59 और 97 दिया हुआ है, तो वी है। इसके बाद 59 और 97 इसका एचसीएफ निकालेंगे तो पहले वन टाइम्स ये हो जाएगा 59। इसके बाद माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8। इसके बाद यहाँ बचेगा आपका 8 में से 5 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3। इसके बाद फिर 59 ले लेंगे आप, फिर वही टाइम जाएगा एक बार जाएगा ये 38 हो जाएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। हमने पहले बताया था कि आप माइनस करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आप हमेशा क्लियर करेंगे और अपने दिमाग में मिलाते रहेंगे कि मतलब हमारा माइनस या डिवाइड जो भी चल रहा है बनाई देंगे, क्योंकि अगर बीच में आप कहीं भी काम कर जाएंगे तो आपका निजी जो रिजल्ट हुआ वो गलत हो जाएगा, इसलिए इस बात को आप हमेशा ध्यान दें। इसके बाद फिर आगे लेंगे आप 38, ये भी वन टाइम होगा, यहाँ 21 हो जाएगा, यहाँ 8 में 7 निकालेंगे तो 7 आएगा और 3 से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद आप 21 को ले लेंगे वन टाइम पे, इसके बाद 21 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो है हो रहा है। इसके बाद 70 को ले लिए, 4 या 16 1 आ गया, अब 1 से करेंगे 4 को तो 1 या 4 यानी कर लिया। तो आपने देख लिया कि इसका एचसीएफ जो आया वो 1 आया, आई बात समझे। उसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन है 20, ध्यान दें।
क्वेश्चन नंबर 20। आपको करना कुछ नहीं है, जैसे 80 हम निकाल रहे थे डिवाइड करना है भाग से, वैसे ही आपने 80 निकालना है। उसके बाद इसे ध्यान देंगे कि इसका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। अब आप ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 20 इसमें दिया हुआ है आपका 20 में 161 और सेकेंड नंबर दिया हुआ 192। अब इसका आप ऐसे निकालेंगे वही मेथड, तो 161 और 192 161 आएगा, 2 में से 1 क्या 1 जाएगा, 9 में से 6 निकालेंगे 3 आएगा। इसके बाद अब आप ले लेंगे 161। अब यहाँ पर 31 यहाँ पर देखिए 1 छोड़ देंगे तो 3 5 8 यानी 5 की संभावना है, तो 31 में पहले 5 का मल्टीप्लाई साइड कर लेंगे, जिन 5 5 और 5 3 18 यानी 161 से कम है, इसका मतलब हम उसको 5 टाइम्स ले जाएंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा 155। इसके बाद 3 माइनस करेंगे तो 11 5 क्या 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 5 में से 5 क्या 0 हो जाएगा और 1 में से 1 क्या 0 हो जाएगा। अब इसके बाद आप ले लेंगे 31 तो 6 5 का आई बस में 30 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 1 आएगा और 1 से आप 6 को ले लेंगे तो 1 6 6 ये भी कट गया। आप देखें इसका एस सी एफ भी 1 आया, तो आपको द एस सी एफ ऑफ 161 और 192 इज 1 आई बस में, तो लिखेंगे कि वही बात इस बेयर का टू टाइम्स। आपको शो करना है कि जो ये पेयर्स दिए गए हैं यानी जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं उसका एस सी एफ कितना है। हमने बताया टू नंबर्स आर टू टाइम्स इफ द इफ देयर सॉरी इफ देयर एस सी एफ इज 1 यानी जब आपका एस सी एफ 1 आया है तो आप कंफर्म कर लेंगे कि आपका जो पेयर दिया हुआ है वो टू टाइम्स है, भाई बस ये। इसके बाद इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन देखें 21। क्वेश्चन 21
इसके बाद 343, 343, यहाँ देखिए एट हो जा 32, फोर टाइम्स की संभावना बन रही है, तो पहले आप चेक कर लें 89 में फोर का मल्टीप्लाई कर लें 36, इसके बाद 482 और उसमें 3 ऐड कर लेंगे तो 35 जाएगा, आपका आ गया 356। और यहाँ पर देखा है 343, इसका मतलब क्लियर हो गया कि फोर टाइम्स नहीं है। अब आप इसको फोर टाइम्स नहीं ले जाएंगे बल्कि डाउन कर देंगे, यानी इसको थ्री टाइम्स लेंगे। साइड चेक करेंगे तो आप यहाँ कर नहीं करेंगे, इसलिए थ्री टाइम्स लेते हैं, 39 और फिर 3 8 3 9 27 7 हो गया, 2 8 24 और 2 8 25 26, यानी आ गया आपका 267। आप लेंगे थ्री टाइम्स, फिर इसके बाद माइनस करेंगे512 और 955।
945, वही चीज वी है। अब इसके बाद आप 512 और उसके बाद है 945, तो 945 वन टाइम्स 501 हो जाएगा। 5 में से 2 निकालेंगे 3 हो जाएगा, 4 में से 1 निकालेंगे तो भी 3 हो जाएगा, उसके बाद 9 में से 5 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। ध्यान दें, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 और 9 में से 5 माइनस करेंगे 4। इसके बाद फिर आप डालेंगे 501, फिर 1 टाइम्स 433 यानी 433। अब इसके बाद देखिए 3 माइनस नहीं हुआ, यहाँ 12 हो जाएगा, तो 12 में से 3 माइनस करना है आपको तो 9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ बचेगा 0, 10 हो जाएगा, 10 में से 3 निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। इसके बाद आप डालेंगे 433 की संभावना बताइए। देखिए 79 है, 5 का 5 माइनस 45, इसके बाद 5 संख्या 35 और 4 यहाँ पर 39 हो जाएगा। ये 5 टाइम्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा 395। माइनस करेंगे 3 में से 5 ले आओ, पहले ले लेंगे 13, यहाँ कट जाएगा। इसके बाद यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 9 निकालना है 3, इसके बाद यहाँ 3 में से 3 और कुछ नहीं आएगा। इसके बाद आप 79 जाएंगे तो 2 टाइम्स, इसके बाद 9 में से 6 हो गया आपका 3 हो जाएगा, 3 से आप ले लेंगे 38 तो 3 बन जाए 3 हो जाएगा 8, 3 2 या 6 हो जाएगा, यहाँ तो 2 हुआ 3, 2 बन जाए 2 यहाँ माना जाएगा इन 1 2 या 2। इसका भी आप देखेंगे ऐसे कितना गया द एलसीएम ऑफ 512 एंड 945 इज 1। दिस पेयर आर टू टाइम्स आई वाज सेइंग, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से आपका जो है देखिए 22 हो गया, 23, 24 होमवर्क दिया, होमवर्क में आप इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 23 और 24, 23 और 24। और उसके बाद आप सभी क्वेश्चन, हमने पहले कहा था कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से आपका कॉपी में स्वयं सॉल्व करें, क्योंकि मैथ जब तक इसका आप अभ्यास नहीं करेंगे और जब तक इसको आप एक बार दो बार अपनी कॉपी में स्वतः नहीं लगाएंगे तब तक बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। आपको मेथड बता दिया गया है, आपको क्वेश्चन समझाया गया है, अब आप उन चीज़ को ध्यान दें और उसके साथ साथ जो है सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करें।